दैट्स वन बिग तो इतना फ्लॉ. सोचने वाला शख्स को पहली मोहब्बत कब हुई? स्कूल में 7th ग्रेड, प्यारा सा लड़का था मेरे क्लास में, एंड पता चला उसके अम्मी अब्बू अम्मी के साथ फ्रेजनो में कॉलेज में थे साथ. तो एक वो लड़का था, बट मेरी हमेशा लड़कों से दोस्ती रही है. आई वॉज ऑलवेज द टॉम बॉय फ्रेंड, एंड मेरी जो ग्रुप में लड़कियाँ थी, द प्रिटी पॉपुलर गर्ल्स, तो वो हमेशा डेटिंग उन लोगों के साथ होती थी, विंग मैन में होती थी टू फैसिलिटेट. लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि मुझे भी क्रश होता था उन पे, बट नॉट इनफ टू बी लाइक आई वैल्यू द दोस्ती मोर देन द चेस इन द गेम. एट द एंड आई चोज टू नॉट मेक सैक्रिफाइसेस. मुझे सैक्रिफाइसेस नहीं देनी थी. आई कुडंट, आई थिंक माई मदर्स इलनेस एंड द फियर के वो शायद ना रहेंगी तो मैं दुबई में बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी. सो कुड यू एवर से कि आई मुझे लाइक आप यू, हाँ मत अच्छे लग रहे हो? आई कुड, बट आई न्यू इट वुड नेवर बी रेसिप्रोक्रेटेड दैट वे, क्योंकि अगर उस तरह फीलिंग्स म्यूचुअल होती तो आपने तो अपने दिल में रखा, अच्छा लगा, उस हाँ. कुछ लिखा उसके सोलह लिए? 18 या 19 साल की उम्र पे दिल टूटा मेरा एक दफ़ा. उसके बाद से मैंने कसम खा ली कि मैं अपने दिल को बिल्कुल महफूज रखूंगी हाँ, और वो कभी नहीं टूटेगा. तो कैसे और टूटा था? क्यों 15 साल टूटा था? बाद क्यों टूटा था? बस आई लाइक्ड समवन एंड देन दे जस्ट लाइक्ड समवन एल्स. यस, वी वर गुड फ्रेंड्स, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स. कहने में देर कर दी? कहने में देर नहीं, पता नहीं, बस कुछ बेहतर आ गया सामने तो वो दोस्ती भी ख़त्म हो गई थी, बिकॉज एवरीथिंग एल्स से पहले दोस्ती बड़ी अच्छी थी. सो अगेन आई वुड, माई एडवाइस वुड बी नेवर मिक्स फ्रेंडशिप विद प्यार और इन्फैचुएशन. कीप दैट फ्रेंडशिप, वैल्यू द, बिकॉज फ्रेंडशिप कैन लास्ट क्या मर्द हो फॉरएवर. सकता है लड़की का बेस्ट फ्रेंड? ये मेरी बहुत लंबी डिबेट चलती रहती है, बिकॉज बचपन में मैं वो लड़की थी, वायद लड़की. आई वॉज नॉट अ फ्लर्ट, माई अच्छा इंटेंशन वॉज नॉट दैट, एंड हाँ आई वॉजन प्लेइंग हार्ड टू गेट, आई वुडन टीज, आई वॉज हु आई वॉज. एंड लड़के मेरे हमेशा दोस्त थे. तो आई यूज टू बी लाइक, ऑफकोर्स हो सकते हैं बिकॉज मेरे हुए हैं दोस्त. और ऐसा कभी अनकम्फर्टेबल, ओ गॉड, वो बाद में पता चला दे लाइक यू एंड ओ नो यू लेट देम ऑन, इस तरह कभी हुआ नहीं. सो स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैं हमेशा कहती थी कि बिल्कुल हो हो सकते हैं. सकते हैं ना। सो 15 साल बाद फिर मोहब्बत हुई? 15 साल बाद या अलॉन्ग द वे जब भी मोहब्बत हुई तो आई वॉज द हार्ट ब्रेकर, अनफॉर्चुनेटली. नहीं तो फिर जब हुई मोहब्बत, तो फिर फिर वो कितने अरसे रही? वो जब तक रही, 1-2 साल रही, और फिर आई वुड जस्ट बी लाइक ओके, आई नीड टू मूव ऑन टू नॉट ग्रीनर पास्चर्स, बट हाँ आई गेस क्योंकि घर पे कभी रेन्स नहीं लगाए गए थे हमारे ऊपर, हमेशा आज़ाद थे, तो जैसे ही वो एक रेन इन वाली फीलिंग आती है तो फर्र करके उड़ना होता है, तो सो सनम इसीलिए को कोई बांध के नहीं रख सका? नहीं. बट आई लर्न, जहाँ पे रुकना होगा या काबू में आना होगा तो आज मैं कहती हूँ मैं इतनी वो नहीं हूँ कि मुझे काबू में रखना है. आई एम अ वेरी बैलेंस्ड फ्री स्पिरिटेड इंडिविजुअल, जिसको ज़्यादा रहने दे मुझे, ज़्यादा ना बट यू रेन इन. डिड फॉल इन लव एंड गेट मैरिड, डिडंट यू? यस आई डिड, बट इट वॉज बट माई मैरिज दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग. माई मदर गॉट सिक हाँ, और आई ये शिफ्टेड टू मुझे पूछना दुबई. है, ये मुझे बहुत ज़रूरी पूछना है पूछे. कि ये मेरे दिमाग में रहा कि मुझे पता चला कि तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उससे पहले पता चला तुम्हारी शादी हो रही है, उससे पहले मुझे पता चला दैट यू न्यू समबडी और आप उससे बहुत मोहब्बत करते हो और बहुत अरसे से करते हो, और फिर अब पता चला उसी से शादी हो रही है, फिर पता चला योर मदर इज़ नॉट वेल एंड आप दुबई में हो और आप आ रहे हो जा रहे हो, फिर मुझे पता चला कि आपकी शादी नहीं है। मगर ये क्यों? आप ये सब कुछ साथ साथ क्यों नहीं? शादी तो होती इसीलिए क्योंकि साथी चाहिए होता है। मगर हाँ बिल्कुल. ये मुझे प्लीज़ बताओ, ये किस तरह के योर मदर गॉट इल एंड यू हैड टू लीव योर हस्बैंड, क्यों? बिकॉज आई वॉजेंट इन द फ्रेम ऑफ माइंड कि मैं बैलेंस करूँ रखूँ, एंड क्यों? इट्स अमेजिंग कि इतना जिस मगर इंसान अम्मी को ने इतना तो बैलेंस आता हाँ है यही तो सिखाया है. सिखाया था। एट द एंड आई चोज टू नॉट मेक सैक्रिफाइसेस. मुझे सैक्रिफाइसेस नहीं देनी थी. आई कुडंट, आई थिंक माई मदर्स इलनेस एंड द फियर के वो शायद ना रहेंगी तो मैं दुबई में बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी. दुबई में मैं क्या करती थी, ये करती थी, कुछ कर लिया, बैठी रही कि कब आएंगे घर, बोर हो रही हूँ मैं. कराची में आई गॉट सो मच टू डू एंड आई फेल्ट दैट वुड स्ट्रेस हिम आउट अ बिट.
और भी अनफेयर, बट आई मीन ऑब्वियसली ऑल दीज टू हिम आर एक्सक्यूजेस. उनको तो वो हाँ कहते हैं यार कुछ भी हो सकता था, हो सकता था. नहीं, मुझे खुद पता करना है कि ये क्या मोमेंट था सनम की जिंदगी में कि इतना बड़ा डिसीजन लिया. क्योंकि ठीक है, माँ का काम की केयर गिवर थे आप, बड़ी बेटी थे, आपको वहाँ होना था, बिल्कुल होना था. मुझे लेकिन जब आप किसी किसी से और को अपना प्यार, वक्त नहीं देना मगर था. जान अगर किसी से प्यार करते हैं, उसको ये समझना होता है कि नहीं वो तो इस सब वक्त समझते थे, फिर बट मुझे अपना अपना कोई भी हिस्सा किसी और को भी नहीं देना था, सारा इस तरफ देना था. तो आई जस्ट फेल्ट के फॉर हिम इट्स अ सिली थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली ही सेज मतलब इट्स रिडिक्युलस, आई डोंट नीड एनीवन बट यू. बट मेरा था कि यूड बी बेटर ऑफ विद समवन हु कैन लिव देयर एंड गिव यू ऑल द टाइम एंड मे बी नॉट बी सो कंज्यूम बाई हर करियर और फैमिली एंड हु कैन जस्ट गिव यू मोर टाइम देन आई कैन, बिकॉज आई कॉन्ट गिव दैट काइंड ऑफ टाइम एंड डेडिकेशन अच्छा, दैट अ मैरिज रिक्वायर्स दैट दैट एन इंडिविजुअल रिक्वायर्स. नाउ दिस इज अ बिग डिसीजन, इट इज़ अ बिग है डिसीजन ना? बट तो अब उस वक्त जब जब अम्मी बीमार हैं, दैट्स ट्रॉमा. अपनी माँ को देखो बीमार, जिसको इतना चाहो, जिसको इतना प्यार करो, जिसने इतना कुछ सिखाया, और फिर उसी वक्त आप डिवोर्स भी ले रहे हो. हाउ डिड यू हैंडल ऑल दिस? यू नो, आई मार्वल इट. आई एम नॉट जोकिंग. आई हैव बीन सिटिंग एंड लुकिंग एट यू एंड यू नो मीटिंग यू, बट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट कि ये सनम ने ये एक वक्त में इतना सर पे क्यों ले लिया, इतना बोझ, और फिर मेरे उसको लिए वो एक उस पेन हल्के को होने भी. की बात थी कि आ आई एम नॉट बीइंग एबल टू बी अ डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबल फोकस्ड डिवोटिंग डोटिंग वाइफ एंड आई वॉन्ट टू डू दैट बट आई जस्ट वॉज लाइक आई कांट, माई लाइफ कैन नॉट बी स्प्लिट. आई थॉट कि बस अब मैं एक्टिंग को थोड़ा सा साइड पे कर दूंगी और मैं अपनी टीचिंग पे ज़्यादा तवज्जो दूंगी और मैं घर पे खाने बनाऊंगी और मैं बीवी बनूंगी और मैं बच्चे पैदा करूंगी और हम दुबई में पिकेट फेंस विद द डॉग लाइफ हाँ, जियेंगे. बट आई जस्ट स्नैप्ड वन डे एंड आई सेड व्हाट एम आई थिंकिंग, दैट्स नॉट मी, दैट्स दिस आइडियल एंड दिस एज एंड दिस टाइम एंड एवरीवन अराउंड मी इज़ डूइंग दैट एंड आई एम अ वाटर साइन. Well, I'm an Aquarian, but an air sign. या So I'm fluid. I flow. हम्म, Whatever my situation is, जो भी surrounding है, लोग हैं, मैं adapt कर लेती हूँ. तो I think उसमें I got caught up कि एक दुबई लाइफ में मैं adapt हो गई थी. बिल्कुल I fit in and flowing in and out. काम एक दो आता था तो मैं आ जाती थी काम करके वापस हाँ दुबई चली बिल्कुल. जाती थी. But that wasn't me. And I just felt कि he deserved a lot more attention, a lot less स्ट्रेस फ्रॉम मी बिकॉज इट्स नॉट फेयर. मैंने बहुत देखा है मियाँ बीवी को साथ होना चाहिए, अलग अलग अगर रहेंगे तो इट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप. मे बी आफ्टर 10-12 साल साथ रहने का फिर आप बच्चे शच्चे पैदा करके बड़े करके फिर आप अलग अलग अपना यू नो यू आर गोइंग बैक टू योर सेल्फ एंड यू नो द हजबेंड एंड वाइफ ट्रैवल अलॉट और लिव अ पार्ट और जो भी. बट शुरू के दिन में एटलीस्ट द फर्स्ट फ्यू ईयर्स यू मस्ट हम्म, Give that time. सो That must be your यू वर priority. ऑनेस्ट, Yes, यस, totally honest बिल्कुल. सो and ये big ना, step. दैट्स व्हाट यू आर. यू आर अ वेरी ऑनेस्ट ह्यूमन But बीइंग, there was no यू fear. ट्रू टू योर सेल्फ. यू नो व्हाट दैट Yes, इज, कि yeah, आप झूठ नहीं बोल सकते, प्रिटेंड नहीं कर सकते. हाँ, इज एम हाँ आई राइट? yes. I couldn't. हाँ, But hurting someone is also the biggest. किसी का दिल तोड़ना for me because I know how it feels. It's just too tragic. बट ये करना ज़रूरी था मेरे लिए. और ऐसी कोई बात नहीं फॉलिंग आउट कि नहीं ये वो, इट वॉज जस्ट अ हाँ सिली डिसीजन, मेरी हाँ गलती कि मैंने किसी को इतना उस तरह का आई पुट समबडी एल्स थ्रू दैट. आई शुड हैव डिसाइडेड फास्टर इंस्टेड ऑफ गेटिंग कॉट अप इन द हाँ शादी एंड बच्चे एंड दुबई एंड घर एंड टीचिंग. नो 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 आई वर्क, आई वर्क माई होल लाइफ सिंस आई वॉज 16 साल की थी मैं काम कर रही हूँ. उसकी मुझे आदत है, ट्रैवल करने की आदत है, लोगों में उठना बैठना, मेन वुमेन एंड यू नो एक्टर्स आर आर्टिस्ट आर, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रैपो दैट यू हैव स्पेशली इन थिएटर. यू नो यू गॉट वार्म अप एक्सरसाइजेस, यू हैव टू ट्रस्ट. एक गेम होता है वेयर समबडी स्टैंड्स बिहाइंड यू लाइक दिस एंड यू आर स्टैंडिंग टॉल एंड यू हैव टू लेट गो एंड यू हैव टू रिलाई ऑन योर कॉलीग टू कैच यू. It could be a male, it could be a female, whatever, but everyone's teams, you know, you've got holding hands, you're making circles, you're doing concentration games, you're dancing, you're doing flips, you're being caught, you know, so there is obviously, not to take any credit or merit or respect or the man's side away from them,
But it's hard. It's hard to be married to an actor, I think, for a man and a woman. I think it's very hard to not be in the business. But I think shaadi bhi yahi cheez hai ki aap apne aap ko chhodenge aur koi hoga jo aapko catch kar lega. और वो दोनों साइड से होता है, बिल्कुल. सिर्फ औरत का नहीं होता काम कि वही कैच करेगी, सिर्फ नहीं नहीं बिल्कुल आपका भी है. रिलेशनशिप बनते ही इसी तरह है कि अगर वक्त आएगा. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट्स हार्ड टू फॉर अ नॉन समबडी हु इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री मे बी टू ट्रस्ट समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री लाइक दैट. आई ऑलवेज थॉट इट वुड वर्क, यू नो, बीइंग मैरिड टू अ बैंकर और अ लॉयर और अ डॉक्टर. But it's very, and this is why you see it in Hollywood, in Bollywood, whatever. You marry your own kind almost, or then you meet someone from outside and then you leave this a little bit. You know, it becomes your secondary focus, not your primary focus. Your marriage becomes your primary focus.